गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम तरुणा राठी, योर सेकेंड क्लास साइंस टीचर। कल आपने एक लेसन पढ़ा था पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली उसके टू पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको तो समझाए थे, रूट्स और शूट। रूट जो पार्ट होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, और शूट पार्ट ज़मीन के ऊपर जो होता है, जो हमें दिखाई देता है, जिसमें स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेज, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो मैंने कल तुम्हें इसके बारे में समझाया था। तो लीव्स जो होती है वो किचन ऑफ द प्लांट मानी जाती है, यानी जो खाना बनाने का काम, खाना पहुंचाने का काम जो करती है वो लीव्स करती है। तो ये इस तरह से ये इनको खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी, सनलाइट, वाटर और एयर, इन तीनों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से ये अपना खाना बनाते हैं और पूरे पार्ट्स में पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो अ बर्ड ग्रो इन टू अ फ्लावर। बर्ड जो होता है, कली जो होती है, वो फ्लावर का रूप लेती है, फ्लावर बन जाती है। रूट आर वाइट इन कलर एंड ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। स्टेम यानी शूट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड द लाइट, यानी जो रूट पार्ट होता है जो ज़मीन के नीचे होता है, जो वाइट कलर का होता है, वो वाइट कलर का इसलिए होता है क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से दूर होता है, और स्टेम पार्ट, शूट पार्ट जो होता है वो सूर्य की रोशनी के सामने होता है। नेक्स्ट है फ्रूट। इनसाइड द फ्रूट, यानी फ्रूट के अंदर देयर आर शीड, शीड होते हैं विच गिव राइज टू न्यू प्लांट, जो न्यू प्लांट बनाने में हेल्प करते हैं। शीड से ही न्यू प्लांट या न्यू फ्रूट बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज है तुम्हारा 7, उसके ऊपर है ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, वो ही अपना खाना खुद बनाती है। अदरवाइज वाइट या येलो कलर की अगर पत्तियाँ होगी वो अपना खाना नहीं बनाएगी। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट, यानी जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती है, वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करती है। दे यूज़ देयर सनलाइट एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड, यानी वो एयर, सनलाइट और वाटर यूज़ करके अपना खाना बनाती है। प्लांट मेक फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, ये जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना ओनली फॉर दिन को ही बनाते हैं, दिन के समय में बनाते हैं। कैन यू थिंक वाई, क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सूर्य की जो रोशनी होती है वो दिन को ही मिलती है, रात को उनको नहीं मिलती है, इसलिए वो अपना खाना रात को नहीं बनाते। इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है, देयर इज़ नो सनलाइट ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात में सूर्य की रोशनी उनको नहीं मिलती है, इसलिए वो अपना खाना दिन में ही बनाते हैं। स्टेम ऑफ प्लांट कैरीड द प्रिपेयर्ड फूड फॉर द लीफ ऑफ ऑल द अदर पार्ट, यानी स्टेम जो पार्ट होता है वो खाना बना के पत्तियों तक पहुँचाता है, यानी पूरे पार्ट तक पहुँचाने का काम उनका पत्तियाँ करती है स्टेम के द्वारा। विच इज़ नॉट यूज बाय द प्लांट, जो खाना यूज़ नहीं होता है इज़ स्टोर इन द रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और शीट्स, यानी वो खाना इकट्ठा हो जाता है रूट्स में। अब आप सोचोगे कि रूट्स में कैसे इकट्ठा होता है, तो कैरेट और रेडिस के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जो ज़मीन के नीचे हम जैसे गाजर मूली खाते हैं। नेक्स्ट स्टेम जो पोटैटो और जिंजर जो अपन खाते हैं वो खाना स्टोर किया हुआ होता है। लीव्स जो कैबेज और स्पिनच जो खाते हैं, जो पत्तियां खाते हैं, जो फूल गोभी खाते हैं अपन, तो वो लीव्स के रूप में इकट्ठी की हुई होती है। और फ्रूट्स और शीट्स, जो फ्रूट्स अपन यूज़ करते हैं खाने में। उसके बाद में आपको फिलअप दिए हुए हैं, वो फिलअप आप फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब इसमें देखो, फर्स्ट फिलअप है देयर सीड्स आर फाउंड इनसाइड द, इसमें एक गलत भरा हुआ लीव्स, आपको लीव्स नहीं लिखना है, इसकी जगह फ्रूट्स लिखना है, क्योंकि सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स में होते हैं। ये किसी की बुक में रॉन्ग भरा हुआ था, इस वजह से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स, इसमें आप फ्रूट्स टिक करना। नेक्स्ट है द बर्ड ऑफ द प्लांट ग्रोन टू, जो कली होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो फ्लावर में चेंज हो जाती है, इसलिए फ्लावर। फिर नेक्स्ट है फिलअप टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल मिट्टी से, नीचे ज़मीन से पानी लेने का काम कौन करता है, रूट करता है। नेक्स्ट है फिलअप आर द किचन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का किचन जो है, प्लांट की जो रसोई है वो किसे कहा गया है, वो लीव्स को कहा गया है। प्लांट मेक देयर फूड ड्यूरिंग, जो प्लांट है वो अपना खाना कौन से समय में बनाते हैं, डे टाइम में बनाते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और आप इस फिलअप को सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला। इसमें डायग्राम बना के आप पहले लेसन का नाम लिख के एक डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद में आप पार्ट्स के जो नेम है, ओनली फॉर आपको नेम ही लिखने हैं, जैसे जो एरो दिया हुआ है, लीव्स, फ्रूट, रूट, फ्लावर, स्टेम और ब्रांचेज, ये आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में नीट एंड क्लीन, और उनके पार्ट्स के नेम लिखने हैं। उसके बाद में आपको फिलअप करने हैं कॉपी में, फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग डाल के ये फिलअप करने हैं। फर्स्ट वाला फिलअप में जो लीव्स भरा हुआ है आप उसको फ्रूट कर देना, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको कल समझाऊंगी। थैंक यू।